शरदलाल यादव की बेटी को बदनाम करने वालों पर बढ़ के पवनसी। खत्म हुई भोजपुरी स्टार्स की दुश्मनी, जानेंगे पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर, बिना समय लेते हुए वीडियो को शुरू करते। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से खेसारी लाल यादव अपनी बेटी कृति यादव पर बन रहे अश्लील गानों से परेशान। भोजपुरी एक्टर ने लाइव आकर अपना दुख शेयर किया। इन सब चीजों की वजह से वो इंडस्ट्री तक छोड़ने को तैयार। लाल यादव को परेशान में देख रानी चटर्जी और यामिनी सिंह ने उनके सपोर्ट में बात की है। वहीं अब पवन सिंह भी केसर लाल यादव के सपोर्ट में। दोस्तों, भोजपुरी SPY नामक यूट्यूब चैनल पर पवन सिंह का एक वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में पवन सिंह कहते दिख रहे हैं कि आपसे कुछ गलती हो गया तो हमारे लिए बोलो ना यार, सामने वाले से ही गलती हो जाए तो आप उसको कुछ बोलिए, हमको कुछ बोल सकते हैं कि हमारे माँ के बारे में, हमारे बेटी के बारे में, या सामने वाले के माँ के बारे में, बेटी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। मत करिए आप लोग ऐसा। हर बेटी हमारी बेटी है, हर माँ हमारी माँ है, हर बहन हमारी बहन है। कोई एक नहीं चाहता हूँ यार कि तैस में आकर मैं कुछ बोल दूँ। सबके गाना आवे, सबको आप लोग आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि सबके लिए आप सब ही रियल हीरो हैं। नहीं चाहता हूँ कि बोलूँ, रहूँ तो भी लगता है कि क्यों चुप हूँ, काहे चुप हूँ, के बारे में आके गलत बोलना या गाली दे देना, ये सब क्या चल रहा है। दोस्तों, पवन सिंह का कहना है कि जब हम लोग अपने इंडस्ट्री में उंगली उठाएंगे तो कहां से विकास करेंगे। दोस्तों, पवन सिंह की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो खेसारी लाल यादव के साथ दुश्मनी बुलाकर नई दोस्ती की शुरुआत करना चाहते हैं। हालांकि वीडियो में उन्होंने कहीं पर भी खेसारी लाल यादव या उनकी बेटी कृति का नाम नहीं लिया है। उम्मीद है दोनों स्टार्स जल्द ही फैंस को साथ आकर गुड न्यूज देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।